फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए इसे एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। 1950 में जब भारत अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर रहा था, तो एक जरूरी सवाल था हमारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज को कैसे अरेंज किया जाए। फर्स्ट शेड्यूल का काम यही था। इसमें इंडिया के राज्यों और यूनियन टेरिटरीज का नाम और उनकी बाउंड्रीज लिखी गई थी। तो सबसे पहले 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, तब भारत में चार टाइप के रीजन थे। पार्ट ए स्टेट्स, ये वो स्टेट थे जो पहले ब्रिटिश प्रोविंस का हिस्सा थे, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, बिहार एक्सेट्रा। पार्ट बी स्टेट्स, ये प्रिंसली स्टेट्स को मिला के बनाए गए थे, जैसे कि हैदराबाद, पटियाला एक्सेट्रा। पार्ट सी स्टेट्स, इनमें कुछ और प्रिंसली स्टेट और कुछ ब्रिटिश कंट्रोल एरिया, जैसे कि दिल्ली। पार्ट डी टेरिटरीज, इनमें सिर्फ अंडमान और निकोबार आइलैंड आता था। 1956 में एक बड़ा चेंज आया जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। इस एक्ट के थ्रू लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट का नया अरेंजमेंट हुआ। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी कैटेगरीज खत्म कर दी गई और सब राज्यों को अलग-अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। ऐसे ही समय के साथ नई स्टेट बनी और पुरानी स्टेट डिवाइड होती गई। जैसे कि 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड नए राज्य बने। फिर 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। एक और जरूरी केस याद रखने लायक है, बेरुवारी यूनियन केस 1960। इस केस में क्लियर हुआ कि अगर भारत अपना कोई टेरिटरी दूसरे देश को देना चाहता है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है। आज के समय में फर्स्ट शेड्यूल में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी लिखी हुई है, जिसमें हर राज्य और यूटी की बाउंड्रीज और डिटेल दिए गए हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। फर्स्ट शेड्यूल इज रिलेटेड टू नेम्स एंड बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स एंड ड्यूटीज। 1950 से लेकर अब तक कई चेंजेज हुए हैं ड्यू टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एंड अमेंडमेंट्स। इंपॉर्टेंट केसेस लाइक बेरुवारी यूनियन केसेस ने फर्स्ट शेड्यूल की इंटरप्रिटेशन को और क्लियर किया है।